गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 3 का लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको अलग अलग साइंटिस्ट ने, जैसे न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ दिया था, डॉबरनियन का ट्रायड लॉ था, ठीक है। उसके बाद फिर मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल दी थी। फिर उसके बाद आपके पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल एट प्रेजेंट वर्किंग में है, ठीक है। अब जब हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करते हैं, तो आज के टाइम में हम जो टेबल देखते हैं, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, मतलब यही मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, तो इसमें जो हमारा बेस है, इसमें जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दी? मोज़ले ने दी। ये मैंने आपको कल बताया था, मोज़ले ने दी, और उसका बेस क्या था कि एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में रखा था, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आपको पता है, कुछ आप धीरे धीरे समझेंगे, उसको लर्न करेंगे। देखिए 30 तक तो आपको पता होता है, जिंक तक, या 20 तक पता होता है, देखिए कैल्शियम तक, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझने की जरूरत है कि हमने कल पढ़ा था कि पीरियड जो थे वो 7 थे, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन्थ पीरियड, इस तरीके से पीरियड्स है। इसके बाद हमने ये वाले जो बनाए थे, वर्टिकल लाइंस जो हमने बनाई थी, वो क्या थी? वर्टिकल लाइंस जो थी वो थी ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप देखिए कितने हैं, कल मैंने आपको बताया था 18 ग्रुप थे, जिसमें से 7 ग्रुप को जस्ट डबल किया था तो 14 हो गए थे, 8th को 3 भागों में बांटा था और एक लास्ट वाला ग्रुप था 0 ग्रुप, ठीक है। तो टोटल 18 ग्रुप है, जिसको मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे लिखते हुए 12, 13, 14, 15। अब सबसे पहले देखिए कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप है, इसका मतलब हमने मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि एक ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी, या जो प्रॉपर्टीज है, वो सिमिलर थी। तो सिमिलर का रीजन क्या है? तो सिमिलर का रीजन मोज़ले ने दिया। मोज़ले ने कहा कि एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबका क्या सेम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम है। क्या सेम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होने के कारण उनकी पाई जाने वाली जो प्रॉपर्टीज है, दे आर ऑल्सो सिमिलर। तो अब आप देखो कि हम एलिमेंट्स को बिल्कुल इसी हिसाब से अरेंज करते चले जा रहे हैं। कैल्शियम तक आपको पता है, सबसे पहले उसके आगे नाम पता होना चाहिए। देखो एससी को कहते हैं स्कैंडियम, मैं नाम बोल रही हूँ, आप अपनी बुक को, जब आप वीडियो को एक बार देख लेंगे, उसके बाद जब दोबारा वीडियो को खोलकर देखेंगे या लेक्चर को देखेंगे, तो उसमें पीछे, जब आपकी जो बुक है उसमें पीछे टेबल्स बनी हुई है, वहां सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, तो आपको वो वहां से लर्न करना है। सिंबल मैं यहाँ पर बोलती जा रही हूँ, देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन गैलियम, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, ठीक है। देन रुबीडियम, स्ट्रॉन्शियम, इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, आयोडीन, जीनॉन, देन सीजियम, बेरियम, फिर यहां पर है लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्करी, हेलियम, लैड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टेटीन और रेडॉन, ठीक है। देन फ्रांसीसियम एंड रेडियम, इसके बाद आती है आपके बाद एक्टिनाइट। अब देखो सबसे पहले आपको पहले सिंपल चीज को समझिए, क्योंकि एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं। हम सबसे पहला वाला ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है। उसके बाद देखिए आपको, अब क्योंकि पीरियडिक टेबल में कहीं पर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ होगा और आपसे वो कहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना है आपको, उसका कोई भी एलिमेंट दे दिया, मान लीजिए उसने आपको गैलियम दे दिया, तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो गैलियम नाम दिया तो आपको सिंबल पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर कैसे पता होगा? तो एटॉमिक नंबर के लिए आपको यहां पर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। देखिए कैसे कैलकुलेशन होगी कि पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड में
यानी फर्स्ट टू के बीच में जो डिफरेंस है वो दो दो का है, सेकेंड और थर्ड में एट का डिफरेंस है, एट एलिमेंट्स आए, फिर थर्ड और फोर्थ में भी एट है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर ये दस एलिमेंट बीच में और आ गए, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया, 18 का आ गया। तो देखो पहले वाले एलिमेंट का हाइड्रोजन का पता है, लिथियम का आपको सबको पता है कितना है, यदि हमें किसी का एटॉमिक नंबर नहीं भी पता तो हमें यदि इसकी पोजीशन पता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट के बाद यदि इस यहाँ पर आएगा तो कितने एलिमेंट और आ गए, दो एलिमेंट आ गए, तो टोटल कितना हो गया तीन। तीन के बाद दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आठ, उस डिफरेंस को आप जोड़ते चले जाएंगे, एट एट और थ्री इलेवन, फिर इलेवन और एट नाइनटीन, नाइनटीन और एटीन थर्टी सेवन, थर्टी सेवन एटीन फिफ्टी फाइव, फिफ्टी फाइव और थर्टी टू एटी सेवन। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि ये 37 है तो इसके आगे वाला 38 होगा, ये 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54, इस तरीके से आएंगे। तो बीच में ये जो एलिमेंट्स आए हैं कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, ठीक है। तो थ्री पीरियड के बाद फोर्थ में आकर यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, मतलब फोर्थ में भी चेंज नहीं हो रही, फिफ्थ में हो रही है, क्योंकि यहां से एलिमेंट जो एंटर हो रहे हैं तो वो आगे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, यानी वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा NS1। N किस चीज को बता रहा है, N बता रहा है पीरियड नंबर को, यदि पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यदि फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट है तो उसका उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, ठीक है। यदि सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s1, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए, पहले अब इसको एक बार देख लीजिए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है NS1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है NS2, यानी बाहर वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इस पूरे ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS2 NP1 to 6, यानी यहाँ पर NP1 में जाएगा, यहाँ पर NP2 में जाएगा, NP3 में, NP4 में, NP5 में, NP6 में। N किस चीज को बता रहा है, N शेल नंबर होता है, हम पहले पढ़कर आए थे, और N यहाँ पर किस चीज को बता रहा है, पीरियड को बता रहा है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर जब आते हैं तो फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं एल्कली मेटल ग्रुप, एल्कली मेटल, ठीक है। सेकेंड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये हमने 10th में ही पढ़ लिया था, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, ठीक है। ये हमारी कौन सी फैमिली है, पूरा जो ग्रुप है ये बोरोन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, जो हैलोजन, ये जो 17th ग्रुप है इसको हम कहते हैं हैलोजन, क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग फैमिली है। और लास्ट वाला ग्रुप जो है, जो कि 18 ग्रुप है, 17 तक तो यहाँ हो रहे हैं, ये ग्रुप जो जीरो ग्रुप है, दैट इज ऑल्सो 18 ग्रुप और जीरो ग्रुप, इसमें सारी गैसेस कैसी आ रही है, नोबल गैसेस आ रही है या इनर्ट गैसेस आ रही है, जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS2 NP6। जैसे नियॉन का लिखना है, नियॉन कौन से पीरियड में आ रहा है, एन की वैल्यू आप ध्यान रखो कौन से पीरियड में आ रहा है, दो में आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2s2 2p6 हो जाएगा, इसका 3s2 3p6 हो जाएगा, इसका 4s2 4p6 हो जाएगा, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ मैं, ये 5s2 5p6 हो जाएगा, इसका 6s2 6p6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब आप देखो फर्स्ट ग्रुप में, तो अभी आपको समझ में आ गया कि एक ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आर सेम ड्यू टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने सबका लिखा हुआ है, आपको ये लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे लिथियम है, लिथियम का देखो हाइड्रोजन का 1s1, क्योंकि ये 1 पीरियड में था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस में जाता, तो 1s1, ठीक है। लिथियम में किस में जा रहा है, लिथियम में, अब आप देखो लिथियम में जब भी आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उस लास्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन को आपको लिखना है, या तो आप पूरा खोल कर लिखें, जैसे देखिए, जैसे आप लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, क्या है 1s2 2s1, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। या तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखिए ऐसे में खोल खोल कर लिखूंगी तो कितना बड़ा हो जाएगा, तो ये जो 1s2 है किसके कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का ही तो है, ये किसका, हाइड्रोजन के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, हीलियम में जाता है, तो 1s2, तो ये हीलियम का हो गया, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हीलियम में 2 और इसमें 3, तो लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 3, ठीक है।
सोडियम की जब भी हम बात करेंगे, सोडियम सोडियम में जाने से पहले उसने कॉन्फिगरेशन अटेन कर लिया, नियॉन का आ गया उसके पास, तो नियॉन के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, नियॉन के बाद जा रहा है 3s1 में। 3s1 क्यों लिखा, क्योंकि 3 पीरियड में है, समझ में आ रहा है। नियॉन तो इसलिए लिखा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो नियॉन का 10 है, ठीक है। हमेशा हमें लास्ट वाला जो जो आपकी नोबल गैसेज है सिर्फ आपको वही वाला कॉन्फिगरेशन लिखना है, ये नहीं कि कहीं का भी उठा के लिख देंगे, ठीक है। तो नियॉन नियॉन के 10 हो गए, उसके बाद सोडियम किस पीरियड में आ रहा है, थर्ड पीरियड में आ रहा है, तो 3 लिख दिया। कॉन्फिगरेशन कौन सा, ग्रुप नंबर कौन सा है, S1, तो 3S1 हो गया। पोटेशियम के लिए आर्गन 4S1 हो गया। इसके लिए अब आप ये मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ, आप इनको काउंट करके देखेंगे तो इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही आएंगे, ठीक है। रुबिडियम का कितना हो गया, क्रिप्टॉन 5S1, कैसे लिखा, रुबिडियम से पहले क्या आ रहा है, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन का कितना है 36, क्रिप्टॉन का है यदि 36, देखो 36 और 137, तो रुबिडियम का कितना है एटॉमिक नंबर 37। तो पीरियडिक टेबल में सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिंबल, हमें पीरियडिक टेबल के हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लर्न, मतलब आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर बहुत से तो हमें लर्न नहीं हो जाते हैं, बहुत से हमें लर्न नहीं होते, तो हम उसके पीरियड से, उसके ग्रुप से, उसकी पोजीशन से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कॉन्फिगरेशन हो गया। सेकंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, वैलेंस शेल में। ये कॉन्फिगरेशन कैसा हो गया, NS2, NS2 का मतलब 2 में जा रहा था 2s2, 3 में जा रहा था 3s2, इसमें जा रहा था 4s2, नेक्स्ट वाले में जा रहा था 5s2, 6s2, 7s2। तो फर्स्ट और सेकंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है, 13th ग्रुप से स्टार्ट हो जाती है दिक्कत, और 13th ग्रुप में भी यहां से, इन दोनों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। 13th ग्रुप में अब आप देखो, 13th ग्रुप में क्या हो रहा है, एल्युमिनियम तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि तो सिंपल सिंपल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ NS2 NP1, ठीक है। लेकिन जब हम गैलियम का लिखेंगे तो गैलियम से पहले इलेक्ट्रॉन कितने कितने इलेक्ट्रॉन, देखो कैल्शियम का आपने पढ़ा हुआ है, कैल्शियम का 20 होता है, तो आप लास्ट में क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये कॉन्फिगरेशन है कैल्शियम का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जाने लगे तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन से में एंटर होने लग जाएगा, डी में, और डी में आपका यहां पर कौन सा वाला स्टार्ट हो जाएगा, N-1d। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रही हूं, N-1d। एन यहां पर क्या है, एन यहां पर है 4, तो N-1 क्या हो जाएगा, 3d, समझ में आ रहा है, ठीक है। हमेशा डी ऑर्बिट जो होता है वो एन से अंदर का होता है, ठीक है, N-1d, ठीक, जिसको हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। एन को तो हम कहते हैं शेल, और N-1d को हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल उससे अंदर का, ठीक है। तो अब आप देखो, यदि आपको गैलियम का कॉन्फिगरेशन लिखना है तो देखो गैलियम की कॉन्फिगरेशन में यहां पर क्या आ गया, ऑर्गन तो था ही, अभी आपको बताया ऑर्गन तो है ही, अब ऑर्गन के आगे इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन और आ गए, कौन से ऑर्बिट में आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या हो गया, वैलेंस शेल तो है 4 से एक कम हो गया, तो 3d10 4s2 4p1। आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके ये चेक करना है कि आपने जो कॉन्फिगरेशन लिखा है वेदर इट इज राइट और नॉट। आर्गन का देखिए 18 होता है इसका, 28 हो गया, 30 हो गया, 31। गैलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 31, ठीक। इसी तरीके से गैलियम से नीचे जाएंगे तो अभी क्या होगा, यहां से आपके सारी, ये तो फिर भी थोड़ा इजी है, यहां पर आएगा तो यहां पर और भी डिफिकल्टी आ जाएगी। फिर है इंडियम, इंडियम में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4d में, वैलेंस शेल 5 है तो पेनल्टीमेट शेल क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। थैलियम में भी ठीक इसी तरीके से, अब आप देखो थैलियम यहां है, अभी यहां तक पहले समझ लो, तो यहां पर डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, d10। ये जो सीरीज है, ये जो 3 सीरीज है, इसमें देखो ये 3d है, ये 4d है और ये 5d है, समझ में आ गया, 3d 4d और 5d, क्योंकि n यदि यहाँ पर 4 है तो N-1d क्या होगा, 3d, यदि ये 5 है तो ये 4 होगा, ये 6 है तो ये 5 होगा, ठीक है। ये 3 सीरीज है d की, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए कि यहां पर जब हम पहुंचते हैं बेरियम के आगे, जब हम पहुंचते हैं तो यहां पर आपके पास आते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट आ जाते हैं यहां पर बीच में, कितने एलिमेंट आ जाते हैं, 32 एलिमेंट आ जाते हैं, 32 एलिमेंट यहां पर बीच में और आते हैं, जिसे
हम कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज, और यहाँ पर एक्टिनाइड में 32 आते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज। ठीक, अब यदि इन एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स आए इनको यदि हम हेयर करेंगे तो टेबल जो है वो पूरी मिसमैच हो जाएगी, इसलिए इन एलिमेंट्स को सेपरेटली अलग रखा गया है। लैंथेनाइड में देखिए क्या आते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में इलेक्ट्रॉन किन में एंटर होता है, एफ में एंटर होता है। ठीक है, तो डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं। ठीक है, डी के 10 एलिमेंट्स हैं। अब आप यहाँ पर देखो ये क्या है, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड लेंथ है, ये जो लैंथेनम है, लैंथेनम कहाँ से, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट होती है उसे हम लैंथेनाइड या लैंथेनॉन्स कहते हैं। देखिए सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथीनियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, इरिबियम, थूलियम, इटर्बियम, लुटेशियम, यानी 57 से लेकर 71 तक के तो लैंथेनाइड्स हैं। उसके बाद एक्टिनाइड्स स्टार्ट होते हैं थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलेवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। ये हो गए 103, मतलब 89 से लेकर 103 तक की जो सीरीज है दैट इज कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज। इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एन माइनस टू एफ में जा रहा है, यानी एन की वैल्यू यदि 4 है तो एन माइनस 1 डी क्या होगा, 3 होगा, और एन माइनस टू एफ क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है, 4 में से घटा दो 1, 3 हो गया, 4 में से 2 घटाओगे 2 हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एन माइनस 1 डी में जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एन माइनस 2 एफ में जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें सब में इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होने लग गया है, एफ में एंटर होने लग गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यदि 17th ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं तो 17th ग्रुप का कैसे निकालेंगे, पहले सबका एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए। एटॉमिक नंबर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है, फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद इसमें आपने यहाँ पर दो एलिमेंट आ रहे हैं इसलिए 3 हो गया, फिर 8 आ रहे हैं 11 हो गया, फिर 8 आ रहे हैं 19 हो गया, लेकिन ये आगे नहीं चलेगा, आगे यहाँ पर 10-10 इलेक्ट्रॉन और जुड़ते चले जा रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन जुड़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ते जा रहे हैं या एलिमेंट जुड़ते जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। देखो फ्लोरीन का बाहर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यदि सेकंड पीरियड में आ रहा है तो 2s2 2p5 होगा, थर्ड में आ रहा है तो 3s2 3p5 होगा, 4s2 4p5 होगा, और आपको पता होना चाहिए 4 से पहले क्या स्टार्ट हो जाती है, 3d सीरीज स्टार्ट हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में जाने लग जाते हैं, तो 3d हो गया, यहाँ पे 4d हो गया, यहाँ पे 5d हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इनको एक बार, जितने भी मैंने जैसे अभी आपको मैंने फर्स्ट ग्रुप का बताया, सेकंड का बताया, 13th का बताया है, अभी आप बीच के एलिमेंट्स छोड़ दीजिए क्योंकि बीच के एलिमेंट्स अभी धीरे धीरे आएंगे, लेकिन 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th के एटलीस्ट आपको 4d सीरीज तक तो आपको कॉन्फिगरेशन लिखने की प्रैक्टिस करनी ही है। तो आप इसको करेंगे एक बार, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।